मैं आए हुए अपने तमाम दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने आज अपने अहम वक्त देख रखे सीए के खिलाफ आपने जो प्रदर्शन किया है इसके लिए आप बहुत ही मुबारकबाद दूंगा। मंच पर बैठे हुए सारे विद्वान, सारे बड़े बड़े उलमा, मैं सबका सबका मुबारकबाद करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल कर दिया। बोलना बहुत कुछ है लेकिन बहुत इतना कम है कि कहाँ शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ पता नहीं चलता। पहले तो ये बताना था कि सीए है क्या, एनआरसी है क्या, एनपीआर है क्या, मगर चूंकि स्टेज पे बहुत बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़े बड़े दानिशवर बैठे हैं, इसके बात करेंगे। मैं आपको थोड़े दूर अलग तरफ से ले जाना चाहूंगा कि ये सरकार चाहती क्या है, यहाँ पे हम लोगों को फंसाने का क्या वजह है। मैं अपने मीडिया भाइयों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो अहम बातें हैं उसको जरूर आप पेपर के फ्रंट पेज पर आप छापें, चूंकि ये जो हमारी सरकार, जो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो आज मांगने के लिए निकले हैं एनआरसी सिटीजनशिप मांगेंगे हमसे, सिर्फ हमसे नहीं सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के वासियों से मांगेंगे। आप पहले इसको सोचें कि क्या आप सिटीजनशिप में पास हो जाएंगे, इतनी तरह की इसमें बीमारियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं जाकर फंसा देगा। एक वर्ष में आप बनाने के लिए एनआरसी बनाने के लिए इतनी कागजात की जरूरत है कि आपको एक आम आदमी को 12 से लेकर 18,000 रुपए तक का खर्च आएगा, ये आसाम के वासियों से आप पूछ सकते हैं। तो ये देश को कंगाल करने के लिए ने ऐसा बात किया ताकि इनसे ये कोई पूछ ना सके कि जैसो आज महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, आज देश में अराजकता का माहौल क्यों है। इनका नजर पड़ा जेएनयू पे, इनका नजर पड़ा जामिया मिलिया पर, इनका नजर पड़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे कि जहाँ से जो मुसलमान यहाँ जो बच्चे इनको लोग सोचते होंगे। आपको मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते होंगे कि जामिया मिलिया में सिर्फ मुसलमान तो ये गलत है, सिर्फ 40% मुस्लिम बच्चे हैं, 60% दलित भाई और आदिवासी भाई और हिंदू भाई के बच्चे हैं। बेशक बेशक। और जब इन्होंने देखा, ये 5 साल में देखा, 5 साल 7 साल जो इनकी सरकार है, इन्होंने महसूस किया कि जामिया मिलिया से और जेएनयू से अब जैसे कन्हैया कुमार के जैसा बच्चा निकल गया, सोहेला रशीद के जैसी बच्ची निकल रही है, जिग्नेश मेवानी जैसा आवाज निकलने लगा जो अपने हक के बारे में लोगों से सवाल करने लगा, तब इनकी नजर खुली कि इनको खत्म करो। और एक टारगेट था कि सीआरसी ला करके जामिया मिलिया पर हमला करो, यहाँ के बच्चों को ही अंदर अंदर खत्म कर दो ताकि कोई पूछने वाला ना रहे। ये समझने की बात है, आपको समझना चाहिए हमसे एनआरसी का सर्टिफिकेट मांगने वाले। मैं तो 45 साल पहले अपना सर्टिफिकेट दे दिया है, जाके देखो इंडिया गेट पर मोदी जी जाते हैं झंडे फहराने, तो एक बार गेट पर नजर क्यों नहीं जाते जब 65,000 मुसलमानों की शहीद शहादत लिखी हुई है, जाके पढ़ लो। हमसे जो पूछते हो हमारी नागरिकता कहाँ है, अगर देखना है तो जब 1947 के पहले जो हथियार अंग्रेजों ने तुम्हारे जिम्मा किया है उसको देखो। ये संविधान को बदलने आए हैं, आज से 1947 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया तो चला 1914 तक, और 1914 के बाद ये संविधान मोदी और अमित शाह अपना यह संविधान बनाने के लिए आए हैं, इसको समझना होगा आपको। ये लड़ाई इतनी सी छोटी लड़ाई नहीं है कि आज आप आ गए और आपका एनआरसी खत्म हो जाएगा, एनपीआर खत्म हो जाएगा, ये लंबी लड़ाई चलेगी। जब देश को आजाद करना पड़ा था तो बहुत सारे खून बहे थे, आज फिर खून बहाने की जरूरत है। आज हम शांति से खून बहाने के लिए तैयार हैं, हमारी माँ बहने रोड पर आ गए, हमारे बच्चे रोड पर आ गए हैं। आप सोच सकते हो जब कॉलेज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे में ये आलम आ गया है तो देश कहाँ खड़ा है, इसको सोचना चाहिए सबों को कि आज हमारा देश कहाँ खड़ा है। लेकिन ये सवाल ना पूछे इनसे लोग, इसलिए ये बार बार कई कई धंधा पेश कर रहे हैं। मोदी जी सुन लो, तुमने 3 तलाक बिल लाया, मैंने कुछ नहीं बोला,
मैं रोडपुर नहीं आया, तुमने बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म किया, हम लोग तो आसानी से मान लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था हम सारे लोगों ने मानने का काम किया। इसी तरह कई चीजें तुमने 370 लगाया, हम लोग रोडपुर नहीं आए, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ करो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान का एक एक शब्द भी अगर तुम काटने का कोशिश करोगे तो यहाँ की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको खाकर फेंक दे। बहुत जल्दी वो नतीजा आने वाला है। तो अगर आप सब सारे लोग सहमत है तो एक बड़ा आवाज है, आवाज जो हम एक है, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत।